इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पार और अपना उत्तराखंड में आपका बहुत स्वागत है। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही खुशियों और धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं सितारगंज में भी जगह जगह गणतंत्र दिवस के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और SDM कार्यालय में SDM तुषार सैनी, तहसील कार्यालय में जगमोहन त्रिपाठी और ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर और कई कार्यकर्ताओं में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया है। वहीं जगह जगह स्कूलों कॉलेजों में भी बच्चों के द्वारा ही कार्यक्रम किए गए हैं और नगर में रैलियां भी निकाली गई है। तो धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही बच्चे काफी उत्साहित नजर आए हैं। बता दें आपको कि बच्चे गली नुक्कड़ों पर घूम घूम कर गणतंत्र दिवस उन्होंने मनाया है और इसके साथ ही ये भी बता दें कि सभी के हाथों में फ्लैग था और इसके साथ ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया। आज 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी उपलक्ष्य में हम सब इसको गणतंत्र के दिवस में मनाते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं पूर्व सैनिक अनबल्लभ भट्ट की तरफ से पूरे देश क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 से खुलेंगे और जबकि गाड़ू घटा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल निश्चित हुआ है। आपको बता दें कि राज दरबार नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना के बाद ही विधि विधान से कपाट खुलने की तिथि तय हुई है और इस अवसर पर टिहरी राज परिवार सहित श्री बद्री केदार मंदिर समिति और डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें आपको कि उत्तरकाशी में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद पार्क और पुलिस लाइन ज्ञानसु में ही ध्वजारोहण किया है और पुलिस लाइन ज्ञानसु में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री ने ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली है और इस अवसर पर ही जिला प्रभारी मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम चंद्रिया को ही सम्मानित किया है। जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि हम सब मिलकर 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उन्होंने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हुए देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ज्ञान अज्ञात शहीदों को ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि देश में गणतंत्र दिवस बड़ी खुशियों के साथ मनाया जा रहा है और हमें खुशी है कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसमें हमारे उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड देव भूमि है और वीरों की भूमि रही है। जब भी देश के ऊपर संकट आए, हमारे वीर जवानों ने अग्रणी भूमिका निभाई और बढ़ चढ़कर देश के लिए अपना योगदान भी दिया है। गढ़वाल कमिश्नरी पौड़ी गढ़वाल में ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। यहां गढ़वाल कमिश्नर और IG गढ़वाल ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया है और इस दौरान ही पुलिस टीम की 8 टोलियों द्वारा कंडोलिया मैदान में परेड आयोजित की गई है और जहां छात्र छात्राओं द्वारा ही झांकी निकाली गई है और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली छात्राओं और सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा ही रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।
और आपको बता दें कि इस मौके पर ही हवाई फायरिंग समेत महिला सुरक्षा को लेकर भी पुलिस के जवानों द्वारा स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी तरह की कोई अनहोनी या अप्रिय घटना ना हो इसके लिए श्रीनगर कोटदावर समेत लक्ष्मण झूला में पीएसी जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और वहीं हर बैरिकेड पर वाहनों की चेकिंग भी की गई थी। सबसे पहले तो 74वें गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर सबको बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के द्वारा आयोजित किया गया। भव्य परेड रहा और झांकियाँ भी बहुत सुंदर थी। साथ ही मैं इस अवसर पर मैं अपील करना चाहूँगा कि जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने संबोधन में भी कहा कि गौरा शक्ति ऐप का जरूर प्रयोग करें। हर व्यक्ति पुलिस ट्रैफिक आई ऐप है जिसके लगभग 38,000 से अधिक चालान किए हैं, इसका प्रयोग हर किसी को करना चाहिए ताकि वो प्लेन क्लॉथ में भी पुलिस की ड्यूटी कर सके। इस माध्यम से मेरा ये अपील है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त नागरिकों को गढ़वाल मंडल के उत्तराखंड राज्य के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का आयोजन बहुत ही भव्य और एक अनुशासित परेड का यहाँ पर आयोजन किया गया, जो हमारे वीर सिपाहियों द्वारा एक बहुत ही सुंदर परेड और जो झांकियाँ भी यहाँ प्रदर्शित की गई वो दिखाती हैं कि किस प्रकार हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। और इन झांकियों से इससे हमारे राज्य की उन्नति और प्रगति भी प्रदर्शित होती है। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और समस्त पुलिस जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरिद्वार में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने ही पुलिस लाइन नो इसके साथ ही रोशनाबाद में शिरकत की है। वहां पर वो बता दें आपको कि हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी है और इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने जवानों के सलामी देकर सांसद रमेश पोखरियाल का स्वागत किया है। और आपको बताते चलें कि इस अवसर पर रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी पुलिस अधिकारियों सहित पुलिसकर्मियों पर देशवासियों को बधाई देकर संबोधित करते हुए कहा कि हमें संविधान के प्रति अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से करने के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। तो यहाँ पर भी हरिद्वार में हुई है और मैं समझता हूँ महाराजा विजयपाल सिंह और उनके जो सेनापति थे कल्याण सिंह, उनकी कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं हम। उनका फिरंगियों के सामने, अंग्रेजों के सामने उन्होंने नतमस्तक नहीं हुई थी, सिर कटा दिया था, दोनों का सिर कटा था और जो 152 लोग शेष बच गए थे ये सुनारा वट वृक्ष पर उनको उल्टा लटका करके और उनको मौत के घाट उतार दिया था अंग्रेजों ने। ये जिला वत्स जगदीश वत्स को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने तिरंगा फहराने पर इनको गोलियों से भून दिया गया था। रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहराया था, जुनून था, तो वो जुनून के साथ जिस तरीके से आज हम अपनी गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब आज बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, आज उस बलिदान को याद करने की जरूरत है। ये राष्ट्रीय पर्व पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में भी जो है परेड का आयोजन किया गया था, साथ ही साथ इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा इसमें झांकियां भी निकाली गई थी और घुड़सवार पुलिस, स्वान दस्ता सभी का प्रदर्शन हुआ। और अब स्कूल के बच्चों द्वारा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सभी को जोड़ के चलना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे वो समाज के सभी लोग हों, तो सभी का एक रंगारंग कार्यक्रम भी परेड के बाद रखा गया है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे जो सांसद महोदय हरिद्वार के, वो मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने शिरकत करी है। तो इसमें सभी को मैं, अपने जितने भी हरिद्वार निवासी हों सभी को मैं 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
सितारगंज वन विभाग बाराकोली रेंज सितारगंज की वन टीम ने तुरकाती सोर के पास कैलाश नदी के किनारे से अवैध मिट्टी खनन करता एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर बाराकोली रेंज कार्यालय में खड़ा कर दिया है और बताया जा रहा है कि चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं सूत्रों की माने तो रोजाना रात के अंधेरे में खनन माफिया खुलेआम अवैध मिट्टी का खनन कर सितारगंज क्षेत्र में ही प्लॉट भर रहे हैं और पुलिस की आंखों को धोखा दे रहे हैं, जिसके चलते ही पुलिस पर भी सवाल ये निशान जरूर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की ये सफलता और अधिकारियों की ओर से इशारा कर रही है कि जिसके चलते लाखों का चूना राजस्व विभाग को भी अवैध खनन माफिया लगा रहे हैं। पौड़ी कोडावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोखेटी पिपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मामले को लेकर सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जोखेटी पिपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर पुलिस टीम एसडीआरएफ और फायर सर्विस टीम द्वारा मौके पर पहुंच रेस्क्यू किया गया है और वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार चार लोग सवार थे और जिनमें से दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये सतपुली से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेटी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया, इसे काफी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें दो लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया, पुलिस फायर सर्विस और एसडीआरएफ, ये हमारी टीम गई आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। दो लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा है उसमें, तथा दो लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टरों ने। कुछ लोग लगभग जो है ये कलेक्ट्रेट में इनकी जॉब करते हैं और यही हमें अभी तक सूचना प्राप्त हुई है। 8 बजे करीब मेरे को एक फोन आया कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और वो मेरे बेटे के साले का फ़ोन था कि मम्मी जी को बता दो कि यहाँ पे गाड़ी है। और मैंने तब फिर डीएम साहब को भी फ़ोन किया तो सभी अपने अपने प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और रेवन्यू डिपार्टमेंट भी, सब अपने अपने रेस्क्यू में लग गए थे। देखो गाय के कारण भी होगा, तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे गायों को ना सड़क में ना छोड़ें। देखो गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है कि लोग दूध पीते हैं और गायों को छोड़ देते हैं। मेरा लोगों से निवेदन है कि आप लोग, गाय हमारी माता कहा जाता है, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि उस गाय को जब वो दूध देना छोड़ देती है तो उसको सड़कों पर ना छोड़ के घर में पालो, कोई बात नहीं है। फिलहाल अपना उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।